भारत दे विच त्योहारां दा मौसम शुरू हो गया है। अहोई दा वर्त रख्या जा रहा है ते अज अहोई दे वर्त दे मद्देनजर अपने बच्चियां दी लंबी उम्र अते उनां दे कल्याण दे लई मातावां वल्लों अहोई अष्टमी दा वर्त रख्या गया अते इस नूं लै के अज मातावां ने अपने पुत्रां दी लंबी उम्र दे लई मंगल कामना भी कीती। मैं वही और ये कैलेंडर लेने के लिए आई हूँ। ये वही माता का व्रत है जो बच्चों के लिए रखा जाता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए। तो कब खोलेंगे ये रात को जब तारे निकलते हैं तब खोलते हैं। वही माता का फास्ट रखा है तो उसके लिए सामान लिया है। ये सेम करवा चौथ की तरह ही होता है, इसमें पानी नहीं पीना होता है। शाम के टाइम तारे को देख के व्रत जो है वो खोलना होता है। बच्चों के लिए रखा जाता है, उनकी एज के लिए, वो सुखी रहें, ठीक रहें। मैं होई लेने आई हूँ। इससे हम अपने व्रत की पूजा करेंगे और फिर तारों का पानी देके हम अपना व्रत खोलेंगे। इससे बच्चों की उम्र लंबी होती है। मैडम किस तरह से रखते हैं ये व्रत पूरा दिन? हाँ जी, इसमें शाम को 3-4 बजे हम कथा सुनते हैं पूरे विधि विधान से, और अपने बच्चों के लिए वो सार मिठाइयाँ वगैरह लेते हैं, उन्हें देते हैं, और शाम को फिर पूजा कम्प्लीट करते हैं। अहोई अष्टमी दे दिन सुबह सुबह इशनान करन दे नाल मातावां वर्त दा संकल्प लेंदियां ने ते दिन भर वर्त रखदियां ने अते सूरज छुपण तों बाद अहोई माता दी पूजा करके ए वर्त तोड़या जांदा है। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ये व्रत किया जाता है। संतान की इच्छा के लिए माताएं अपने पुत्र की कामना का आयु के लिए ये व्रत करती हैं, और ये व्रत में अहोई माता का जप किया जाता है। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ये 11 माला का पाठ करने से संतान की कामना पूर्ण होती है। जो संतान की इच्छा रखते हैं इसका जाप करते हैं तो उन्हें अवश्य संतान प्राप्ति होती है। तो ये शाम के 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है, इसकी पूजा करनी चाहिए। किस लिए ये व्रत रखा जाता है? संतान के लिए। कथा क्या है, क्या इसके पीछे कारण? इसकी एक सेई माता होती है, उनका चित्र दीवार में लगा करके और फिर माता का पूजा किया जाता है। वैसे तो अब माताएं बहनें अपने घर में ही कर लेती हैं पूजा, तो घर में बैठ करके और कथा मिलती है, इसका कथा पढ़ लेते हैं, अपने आप से करते हैं, ठीक है। इसका जब उद्यापन होता है तो पंडित जी को बुला करके पहले नवग्रह की पूजा करते हैं और फिर माता का उद्यापन करते हैं, और इसको उस माता का वो जो चित्र होता है उसकी पूजा करके और संतान की कामना से करने के लिए करते हैं। कब ये व्रत खोला जाता है? ये तारा के छांव में, ये जब तारे देख करके फिर रात को ये व्रत खोला जाता है। चंडीगढ़ तो जगबाणी टीवी ले कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब सरकार वालों पंजाब के किसान भरावां नूं पराली ना साड़न की अपील। असी सारे मिलके पराली नूं ना साड़ के पंजाब नूं प्रदूषण मुक्त बना सकते हां, नाल ही पराली नाल साड़ी जमीन दा झाड़ भी वधा सकते हां। जे आपां मल कणक दे झोने दे नाल नूं अग नहीं लावांगे, उहनूं मिट्टी विच ही मिलावांगे, तां उहदे नाल साड़ी जिहड़ी जमीन की सेहत है बहुत ही चंगी बनती है ते झाड़ विच भी वाधा हुंदा है। सरकार वालों होर बहुत ज़्यादा पिंडां च कैंप लगा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों लोगों जागरूक कराया जा रहा है। ये सरकार का बड़ा ही वधिया अच्छा कदम है जो पंजाब सरकार अपन किसानों की बहुत ज़्यादा जी हम मदद कर रही है। अपन सबसिडी दे के मशीनरी के उत्ते ताकि किसान पराली को अग ना लाण, क्योंकि वो एक तो अपना वातावरण बड़ा दूषित होंगे तो दूजा जी खेत की उपजाऊ शक्ति है वह भी घट होंगी, कितने ना कि अपने जो मित्र कीड़े हैं वह भी ये नाल सड़ जाते हैं। 3 साल मैंने हो गए मैं कितने भी अग नहीं लाई, वधिया रिजल्ट आ रहे हैं। जब तो बाण लगियां विच खेत पोला रहिंदा बिल्कुल, तो झाड़ का भी बहुत फर्क पिया। एक किसान भरावां नूं होर अपील है, जो पंजाब सरकार बहुत वधिया उपराला कर रही है, ये जो नाड़ है पराली दे ना साड़ो, वातावरण साफ रहेगा, अपने बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ तंदुरुस्त रहेंगियाँ। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वालों प्रमाणित मशीनां सुपर SMS हैप्पी सीडर सुपर सीडर अते जीरो टिल ड्रिल दी वरतों करो। किसी भी मशीन नूं किराए ते लैण लई हुण आई फार्म मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। पराली ना साड़े जो सब तो समझदार हो।